डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं ये टेंसेस को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर वर्ब के मतलब आपको किसी किस्म का डाउट रह जाता है या आपको वर्ब सही तरीके से समझ में नहीं आता और वर्ब का क्या काम होता है सेंटेंस के अंदर, तो आप टेंसेस को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तवज्जो के साथ समझना है कि वर्ब क्या होता है और इसका इंग्लिश सेंटेंस के अंदर क्या किरदार होता है। मैं समझता हूँ कि मेन किरदार जो होता है वो इसी वर्ब का ही होता है, तो इसलिए आपने वर्ब को गौर से समझना है। इसके लिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें कि एनी वर्ड एक्सप्रेसिंग एक्शन मूवमेंट आर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ वर्ब। यानी कि ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो आपकी हरकत और सकनात को जाहिर करता है, जो आपके काम को जाहिर करता है। यानी फिक्रे के अंदर जो आपका काम होता है, जो आपका एक्शन होता है, जो आपकी मूवमेंट होती है, वो सारी की सारी जो है वो वर्ब के ऊपर ही बेस करती है, यानी वो वर्ब ही होता है। तो आप मिसाल के तौर पर अगर आप इसको उर्दू में लेके जाते हैं तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी अमल को जाहिर करे उसे फेल यानी वर्ब कहते हैं। मसलन वो स्कूल जाता है, अब देखें वो स्कूल जाता है, अब इसमें काम क्या है यानी फेल क्या है, वो वर्ब है, ये वर्ब है, इसके अंदर जाना वर्ब है। इसके बाद वो क्रिकेट खेलते हैं, अब अगर आप गौर करते हैं तो इसमें खेलते जो हैं ये एक काम है, एक फेल है, ये वर्ब है। तो वर्ब से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम किस ज़माना में सरंजाम पाया, ये माजी में हुआ, ये मुस्तकबिल में हुआ, ये काम मौजूदा हो रहा है। यानी मतलब ये है कि वर्ब से ही आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि ये काम किस ज़माना में सरंजाम पाया। तो इस लिहाज से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ज़बान के अंदर वर्ब इंतहाई अहम चीज़ है, इसलिए आपने इसको गौर से समझना है। अब अगर आप इसका इंग्लिश में तर्जमा करते हैं तो इसमें ये गोज़ जो है ये निशानदेही कर रहा है, वर्ब की कर रहा है, और चूंकि ये पहली फॉर्म लगी हुई है, प्ले भी पहली फॉर्म लगी हुई है, तो ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये काम जो है ये ज़माना हाल में हुआ है। लेकिन चूंकि अभी आपको उस तरीके की इसकी समझ नहीं है, जैसे जैसे हम आगे टेंसेस को डिस्कस करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या होता है, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट यानी ज़माना हाल क्या होता है, यानी ये सारी चीज़ें आगे चल के, अभी तो मैंने जिस तरह मैंने इसलिए इसके नाम से या जाहिर है कि अभी मैं आपको वो रूट्स दे रहा हूँ। आप इसको जड़ भी कह सकते हैं, यानी कि जिनके ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है टेंसेस का। तो उस हवाले से अभी आपने वर्ब को गौर से समझना है, और ये मैंने बिल्कुल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि इतना आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वर्ब हैं इसकी कितनी हालतें होती हैं और ये हालतें कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब के मतलब पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी है। आपने ये जहन में रखना है कि वर्ब की तीन हालतें होती हैं। अब ये तीन हालतें कौन कौन सी होती है, इसको वैसे तो इसी तरह बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फोर्थ फॉर्म भी लिखी हुई है। ऊपर मैंने आपको ये समझाया कि इसकी तीन हालतें हैं, बेसिकली इसकी तीन ही हालतें हैं, लेकिन चूंकि इसकी चौथी फॉर्म जो है ये टेंसेस के अंदर यूज़ होती है, कंटिन्यूस के जितने भी उसमें टेंस आएंगे, जितने भी ज़माने जारी के आएंगे उसके अंदर ये फोर्थ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो मेरे नज़दीक जो है ये भी फॉर्म का ही हिस्सा बन चुकी है, और इसको फोर्थ फॉर्म के तौर पर अगर हम लिखते हैं या पढ़ते हैं या इसको कंसीड करते हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई मज़ायका नहीं है, और इसको फोर्थ फॉर्म की अहमियत हासिल होनी चाहिए, और ये बाकायदा फोर्थ फॉर्म है। तो इसलिए आज से मैंने ऊपर लिख के, पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करता है कि वर्ब की कितनी हालतें हैं यानी फेल की कितनी हालतें, तो आप कह सकते हैं जी फेल की चार हालतें हैं। सिंपली अगर आपने बताना है तो कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी पहले नंबर पर ये प्रेजेंट फॉर्म, इट्स मीन कि ये जो वाली फॉर्म होगी ये प्रेजेंट के जो टेंसेज हैं उनके अंदर यूज़ की जाएगी। यानी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म पहली हालत जो होती है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। सेकंड फॉर्म यानी दूसरी हालत जो उसकी होती है उसको आप पास्ट फॉर्म कह सकते हैं। जो तीसरी हालत होती है जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, आप उसको दूसरी जबान में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो आईएनजी वाली होती है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो इन दोनों तरीकों को आप अपने जहन में रख के
आगे चल सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, इनके ऊपर आपने गौर करनी है। मिसाल के तौर पर आप ये देख रही होंगे कि अगर गो है, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, जाना। अगर तो आप कोई प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो फिर इसके लिए आप गो यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई माजी की बात करनी है तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, यानी पास्ट में अगर कोई बात कर रहे हैं तो फिर उसके लिए वेंट लगेगा, ठीक है। यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। इसी तरह अगर थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है इसकी, गो की अगर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो वो लगेगी गॉन, ठीक है। तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको कह सकते हैं, या आप इसको थर्ड फॉर्म कह सकते हैं आप, यानी गो वेंट गॉन, ठीक है। ये तीन हालतें, और चौथी हालत हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे चौथी हालत हमेशा याद रख लें कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी जो है वो उसका इजाफा कर देते हैं। मैंने जिस तरह लिखा है तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और फिर ये क्या बन गया, गोइंग बन गया। तो अब गोइंग जो है ये कह सकते हैं कि गोइंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, किसकी, गो की। गो वेंट गॉन गोइंग, गोइंग कब बना, जब आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा कर दिया तो वो गोइंग बन गया। इसी तरह अब हम इस पे देखते हैं, ये मैंने लिखा हुआ हेल्प, हेल्प मदद करना, आप इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हेल्प्ड, और जिस तरह मैंने फोर्थ फॉर्म आपको बताया, देखिए ये पे फर्स्ट फॉर्म हेल्प, मैंने साथ इजाफा किया हुआ आई एन जी का, तो इस तरह बन गया ये हेल्पिंग, क्या बन गया, हेल्पिंग। तो अब इसमें आपने देखा होगा कि ये ऊपर गो था, फिर वेंट आया, फिर गॉन आया, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा ये हेल्प है, हेल्प्ड हेल्प्ड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है। तो मोस्टली जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो सेकंड और थर्ड जो होती है वो सेम होती है। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर जो है वो आपको बाकायदा तौर पे बनाऊंगा, उसमें एक रेगुलर इररेगुलर ये एक तफसील है बड़ी लंबी, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उतनी चीज़ें आपको क्लियर करवा रहा हूँ जिसको बुनियाद बना के आप टेंसेज को समझने की पोजिशन में हों। तो इसलिए मैं ये हेल्प्ड हेल्प्ड और ये हेल्पिंग मैंने लिखा। इसके बाद आगे आप देखते हैं ये गिव, ये क्या है, गिव, गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकंड फॉर्म है, और गिवन इसकी थर्ड फॉर्म है, और गिविंग, गिव पहली फॉर्म, अब ई को हटा के मैंने आई एन जी लगाया। ये भी जब मैं एक अलग से लेक्चर इसका एक रिकॉर्ड करूंगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है आपने टेंसेस के ऊपर फोकस करना है कि आप टेंस पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये गिविंग बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आप चलते हैं आस्क, आस्क्ड आस्क्ड और आस्किंग। इसी तरह ये सेंट है, आप देखेंगे सेंट सेंट, यानी फर्स्ट फॉर्म भी सेंट है, सॉरी सेकंड फॉर्म भी सेंट है और थर्ड फॉर्म भी सेंट है, और सेंडिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को हमने जब फोर्थ फॉर्म बनानी है तो याद रख लें आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करना है, तो तब वो आपकी फोर्थ फॉर्म जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश सेंटेंस कोई भी ले लें वो सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, और ये भी बहुत अहम है। इसके बारे में सिर्फ ये नाम आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है, यानी जब से ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ सब्जेक्ट। वैसे इसकी बेसिस सारी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो नाउन की शक्ल में, प्रोनाउन की शक्ल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। अब देखिए फाइल क्या होता है, सब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसको फाइल कहते हैं। अगर आप इसका सादा सा इसकी डेफिनेशन सादा अल्फाज में डेफिनेशन इसकी करते हैं तो वेरी सिंपल कहते हैं कि फिक्रा में काम करने वाले को फाइल यानी सब्जेक्ट कहते हैं। आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का उठा के देख लें, उर्दू का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लें, उसके अंदर जो काम करने वाला होता है उसको फाइल यानी सब्जेक्ट बोला जाता है। ये वो नाउन भी हो सकता है, ठीक है, ये किसी का नाम भी हो सकता है, और नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी यूज़ किया जा सकता है, जिस तरह हमने डिटेल के साथ पीछे प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। अब आपको समझ आएगी, हमने पीछे जो नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी ये दो तीन सेंटेंसेस के अंदर, और फाइल यानी सब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर गौर करते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि अली वॉलीबॉल खेलता है। अब अगर हमने जितना पिछला पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, काम करने वाला कौन है। अब
कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी काम करने वाला कौन सा है। इसमें मिसाल के तौर पर आप देखें ना, इसमें अली वॉलीबॉल खेलता है, इसका मतलब है कि खेलने वाला बंदा कौन है जी, आप गौर करनी है, इसमें खेलने वाला बंदा कौन है, अली, अली वॉलीबॉल खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अली है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, अली वॉलीबॉल खेलता है यानी काम करने वाला बंदा, यानी खेलने वाला बंदा, वो एक्शन करने वाला बंदा या वो मूवमेंट करने वाले बंदा, जो हमने पढ़ा था वर्ब के अंदर पढ़ा था कि जो काम होता है वो क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एग्जिस्टेंस करने वाला या मूवमेंट करने वाला या फिर कोई एक्शन करने वाला, इसमें कौन है, अली है। अब वो एक्शन कोई भी है, वो कोई काम कर रहा है कोई भी है, उससे हमें गरज नहीं है, हमने ये देखना है कि अली जो है इसमें जो भी कर रहा है वो अली कर रहा है। इट्स मीन कि अली जो है इसका इस सेंटेंस के अंदर हैज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी क्योंकि अली ही काम कर रहा है तो इसलिए वी कैन से दैट अली इज द सब्जेक्ट, अली जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह आप इस सेंटेंस को अगर गौर से पढ़ते हैं, ये सेंटेंस में लिखा है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। अब मैं किसको कह रहा हूँ, सेकंड पर्सन को कह रहा हूँ, तो इसमें अगर आप गौर करेंगे अगर कोई भाई इसमें है तो वो मैं यहाँ पर कोई नाम भी यूज़ कर सकता था, ठीक है, लेकिन ये सेकंड पर्सन मैंने यूज़ किया कि एक बंदा मेरे सामने खड़े, मैं उसको कह मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तो इसका मतलब है कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम मेरे भाई हो, जो फिक्रे का सारा जो बेस करता है तुम के ऊपर। इट्स मीन कि तुम इसमें क्या होगा, बतौरे फाइल यानी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा। इसी तरह अब आपने इस सेंटेंस को चेक करना है, इसमें लिखा मैं आज लाहौर जा रहा हूँ। अब आपने देखना है कि ये जो जा रहा है, ये जो एक्शन कर रहा है, ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मैं जो है ये बतौरे फाइल यानी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है मैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीन सेंटेंसेस के अंदर आपको समझ आ गई होगी कि काम करने वाला, फिक्रे के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। अब अगर हम इंग्लिश को देखते हैं, क्योंकि अभी हमने टेंस तो शुरू किया नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अली प्लेज वॉलीबॉल, जिस तरह अली जो है, अब यहाँ पे अली क्या है, सब्जेक्ट है। यू आर माई ब्रदर, अब यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद आई, आई यहाँ पर क्या, आई एम गोइंग टू लाहौर टूडे, तो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब अगर पिछला भी हाथा करते हैं आप, आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर आपने नाउन पढ़ा था, अब ये कह सकते हैं अली एक नाउन है, यू क्या है, ये आप इसको प्रोनाउन कहते हैं, आई क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। आप पीछे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, वो स्ट्रक्चर इसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है, उसका मैंने एक चार्ट आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद इसकी हालतें भी हमने पढ़ी थी। अब आप ये कह सकते हैं कि ये अली कौन सी हालत है, ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये हम पढ़ भी सब्जेक्ट के बारे में रहे हैं, तो ये अली सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में भी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जाके जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। जैसे जैसे हम इनको टेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी और साथ साथ आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम अपने अगले अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। जैसा कि अब हमने सब्जेक्ट के मुतालिक पढ़ा है, अब ऑब्जेक्ट आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है ये भी इंग्लिश सेंटेंस के लिए बहुत ही अहमियत का हामल है। अगर हम इसको सिंपली देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, उर्दू में मैंने लिखी ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए कि जिस पर कोई काम किया जाए इसे मफूल यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिस पर कोई काम किया जाए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं आसानी के लिए कि अहमद एक ख़त लिखता है। अब आप पहले इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें फिर अंदाज़ा लगाएं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। अहमद एक ख़त लिखता है, अब आपने देखना ये है कि वो किस पे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ख़त पे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो ख़त लिखता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ख़त है, ख़त इसमें बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसका मेन मकसद, ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपका मेन पर्पज़ होता है, जो मेन मकसद होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। अब ख़त इसमें उसका मेन मकसद है तो इसका मतलब क्या होगा कि ख़त के ऊपर काम हो रहा है, और ख़त यानी लेटर जो है आप इस फिक्रे के अंदर कहेंगे कि ये बतौरे
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ये जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है इसमें लिखा हुआ मैंने हिना चाय पीती है। अब आपने देखना ये है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बिल्कुल आप सही समझ रही हैं, चाय, यानी चाय पीना उसका मकसद है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, चाय। इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं क्या पढ़ाता हूँ, मेरा मैं कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा, इसमें इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं सारा काम इसके ऊपर कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इट्स मीन के जो अंग्रेजी इसमें है ये बतौरे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। इसी तरह अगले सेंटेंस को मजीद प्रैक्टिस के लिए अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब इस सेंटेंस के अंदर किताब क्या है, बतौरे ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। अब अगर थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ आप आ जाते हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो करते हैं तो इसी का तर्जमा मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, अहमद राइट्स ए लेटर। अब जिस तरह उधर लेटर खत था तो ये लेटर इसमें क्या होगा, बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। हिना टेक्स, हिना टेक्स टी। अब जिस तरह ऊपर चाय थी तो इसमें क्या होगा, हिना टेक्स टी मीन क्या हो गया, यहाँ पर जो टी है ये बतौरे सब्जेक्ट बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यू आर रीडिंग ए बुक। अब इसमें बुक जो किताब है वो यहाँ पर बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ पर आई टीच इंग्लिश, अब यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है, कुछ स्टूडेंट्स ने अगर गौर कर ली है तो उनको समझ आ गई होगी कि उर्दू के अंदर तकरीबन दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सेंटेंस के ऊपर गौर करते हैं, ऊपर वाले चारों देख लें, ये तीसरे नंबर पे आया है, ये दूसरे नंबर पे आया है, ये दूसरे पे आया है, ये दूसरे पे आया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस, क्योंकि हमारा मेन फोकस इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं और गौर करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि एंड पे, यानी अहमद राइट्स ए लेटर, लेटर एंड पे आया है, ऑब्जेक्ट एंड पे, इसका टी एंड पे आ गया, इसकी बुक एंड पे है, इंग्लिश एंड पे है, यानी इससे ये जाहिर हुआ कि इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस के अमूमन एंड पे होता है, ठीक है, आखिर पे होता है, तो इसलिए ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब थोड़ा सा पिछले को भी साथ लेके चलते हैं ताकि साथ साथ क्लियर होता जाए जो आपने पीछे पढ़ा है। अब आपने एक फिक्रा पूरा लिख लिया, अगर आप पहले उर्दू को लेते हैं, अब हमने क्या पढ़ लिया, अब गौर करें, हमने सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था, फिर प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन के बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी पढ़ी थी, इसके बाद हमने फाइल पढ़ लिया, फिर उसके बाद वर्ब के मतलब भी हमने पढ़ लिया, फिर अब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब हमने इस सेंटेंस के अंदर पहले उर्दू में देखते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये अहमद क्या है, तो आप में से कौन बता सकता है ये अहमद क्या है। तो जिसने ये लेक्चर गौर से सुना होगा या पिछला लेक्चर सारा तवज्जो से सुना, तो वो फौरन बताएगा कि अहमद ये एक नाउन भी है और इस सेंटेंस के अंदर बतौरे सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, काम करने वाला भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ये जो फिक्रा मैंने लिखा है, बल्कि इसी फिक्रे को आगे देख रहे हैं, अहमद एक खत लिखता है। अब खत की तो अभी हमें समझ आ गई है कि खत, चूंकि ये हमारा अभी फ्रेशली हम यही पढ़ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर मैं पूछता हूँ कि लिखता क्या, लिखता है यानी लिखना इसमें क्या है, तो आप मुझे फौरन बताएंगे अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ है कि लिखना यहाँ पे होगा फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब है, फेल है, काम है, एक्शन है या मूवमेंट है, कोई भी है, तो लिखना यहाँ पर क्या है, वर्ब है। समझ आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर हिना चाय पीती है तो उसी तरह हिना यहाँ पर नाउन भी है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, और इसके बाद चाय यहाँ पर क्या है, बतौरे ऑब्जेक्ट है, और पीना इसमें क्या है, वर्ब है, फेल है, काम है। इसी तरह इस सेंटेंस को भी आप देखते हैं, मैं फर्स्ट पर्सन भी हमने पढ़ा है, यानी इसको आप प्रोनाउन भी है, ये प्रोनाउन भी है और बतौरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अंग्रेजी हम भी हमने पढ़ा है कि इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ाना इसमें क्या है, एक वर्ब है यानी काम है। इसके बाद आगे तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पर प्रोनाउन भी है, सेकंड पर्सन भी है, इसके बाद किताब इसमें ऑब्जेक्ट है,
पढ़ना इसमें वर्ब है। इसी तरह अब हम इंग्लिश की तरफ आते हैं, अहमद राइट्स ए लेटर। अब अहमद यहां पर क्या है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अहमद इज अ नाउन, यू कैन से दैट दिस इज नाउन, आप इसको नाउन भी कह सकते हैं, आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब राइट्स इसके अंदर क्या है, ये वर्ब है, फेल है, काम है। और अब आप देखेंगे राइट्स ई एस, जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन ई एस और इसकी सारी मैं आपकी क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ये समझें कि ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद ये क्या है, ये है लेटर, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट के तौर पर। इसी तरह नीचे भी आप देखते हैं, इस पे मैंने ये रीडिंग लिखा हुआ, जिससे मैंने आपको बताया कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये मैंने आपको बताया था कि ये यूज होती है। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि टेंसेस को पढ़ने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल, यानी ऐसे वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट होने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अब वो कौन कौन से हैं, किस तरह उनको यूज़ करना है, उनकी अब हम डिटेल पढ़ेंगे। तो मैंने उर्दू ज़बान में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आए कि फ़िक्रा को मुकम्मल करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इमदादी फेल कहलाते हैं। हर ज़माना के अपने अपने इमदादी फेल होते हैं, हर ज़माना के अपने अपने इमदादी फेल होते हैं। अब मैं वो थोड़ा सा डिटेल आपको उसकी बताता हूँ कि हर ज़माना में कौन कौन से अपने अपने होंगे। अब आपने गौर करनी है, इतना तो आपको पता है कि तीन ज़माने होते हैं। मसलन पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस जो होगा, फिर इसके बाद पास्ट टेंस जो होगा उसके कौन कौन से यूज़ होंगे, इसके बाद फ्यूचर टेंस। अब आपने सिर्फ ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस आगे जाके इसकी किस्मों को मैंने इकट्ठा ही लिख दी है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे बाकायदा तौर पे टेंसेस के अंदर, तो फिर जब ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझना। तो अब आपने गौर करनी है, प्रेजेंट टेंस के अंदर जो यूज़ होते हैं वो आपने गौर से डू हो सकता है, डज, इसके बाद इज़ हो सकता है, एम, आर, इसके बाद Has, have, has been, और have been, ये जो है ये present tense के अंदर इस्तेमाल होंगे। इस तरह past tense के अंदर इस्तेमाल होने वाले गौर करें, did हो सकता है, was या were हो सकता है, इसके बाद had या फिर had been। इसी तरह फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल होने वाले विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन और shall have been। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक दिया है, अगर आप इस पर गौर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये नीचे मैंने जितने भी आपको दिए हैं ये सारे के सारे यूज हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आपने ये हेल्पिंग वर्ब याद कर लेने, इसको याद करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। को तरीकाकार क्या है कि आपने ये जहन में रखना है, जो प्रेजेंट टेंस के अंदर मुख्तलिफ जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, मुख्तलिफ इसकी हालतें पढ़ेंगे, क्योंकि वो मैं जाके आगे आपके साथ शेयर करूँगा सारी उसकी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आगे जाके आपको बताऊँगा। इसलिए फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर आपने याद कर लेने कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन जो है ना, ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंसेज के अंदर। ठीक है, जितने भी प्रेजेंट के टेंसेज होंगे वो सारे के सारा तकरीबन हेल्पिंग वर्ब मैंने सारे लिख दिए हैं। पास्ट के अंदर जितने यूज़ होते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। फ्यूचर के अंदर इसके अलावा कोई भी और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए इसको ज़रा गौर से आपने देखना है, समझना है और बार बार इसको आपने चेक एंड बैलेंस करना है। बल्कि ये मैं बारहा आपको बात बता रहा हूँ, कोशिश करें कि इनको ज़बानी याद कर लें कि जब आप टेंस पढ़ने लगें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, फौरन आप वो आपको पता चल जाएगा, आप हेल्पिंग वर्ब फौरन आप उसके ऊपर यूटिलाइज कर लें। ठीक है जी, तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब जो है इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।
लेडी डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर का आखिरी टॉपिक, आपकी सारी बेसिक्स कंप्लीट करवा दी। इस टॉपिक जो मैं अभी आखिरी टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, इसके बाद हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पे टेंसेस पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिस तरह बाकी सारे रूट्स हम मैंने आपको पढ़ाए हैं कि वो ग्रामर इसके लिए टेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह प्रेपोजिशन को पढ़ना और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता तो कन्फ्यूजन हो जाती है कहीं पे, तो आगे चल के जब आप टेंसेस करेंगे तो फिर वहाँ पर ये मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ये भी टेंसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है और तकरीबन हर सेंटेंस के अंदर जो है ये प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो अब आपने प्रेपोजिशन, उर्दू में इसको बोलते हैं हरफ जार, तो मैंने उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन लिखी है एज़ यूजुअल के वो अल्फाज जो वर्ब की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि वर्ब की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं उसके अंदर जो फेल सरंजाम दे रहे होते हैं उसकी मदद, यानी वो फेल को वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए भी आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और फिक्रा में सिमत वक्त जगह को जाहिर करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जो आप काम कर रहे हैं ये इसकी सिमत को जाहिर करना है आपने, जगह को जाहिर करना है आपने, तो ये इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आपको प्रेपोजिशन का आना ज़रूरी है और फिक्रे के अंदर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। हाँ जी, इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो आपने गौर से इन एग्जांपल्स को देखना है। सबसे पहले ये इन, ये भी एक प्रेपोजिशन है, फिक्री के अंदर आप इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन, अप, इनटू, फॉर, फ्रॉम, टू, बाय, ओवर, अंडर, एट, बिटवीन, ऑफ, ईटीसी, यानी बहुत से प्रेपोजिशन आगे जाके आप को यूज़ करने को मिलेंगे, लेकिन मैंने कुछ की एग्जाम्पल दिए ताकि आपका एक माइंड सेट बन जाए। अब आपने जब भी सेंटेंस कंप्लीट करने हैं तो इनकी ज़रूरत आपको पढ़नी है। अगर आप गौर करते हैं तो मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप उन एग्जांपल्स को आप गौर से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। आप अब मैंने एक फिक्रा नीचे लिखा है, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल की है, फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे ये कि आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर फॉर नहीं लिखेंगे तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, अब फॉर यहाँ पर हैज अ प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है। इसी तरह आगे अली गोज़ टू हिज ऑफिस, अब आपको पता चल गया होगा कि टू इसमें प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किताब मेज़ पर पड़ी है। अब ये पर जो है, यानी पोजीशन जिस तरह आपको ऊपर लिखा है कि सिमत को या जगह के तयन को, यानी किस जगह पे पड़ा है, किस सिमत में कोई चीज़ पड़ी है, तो यहाँ पर ऑन टेबल, ऑन जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगले सेंटेंस को हम एक दफ़ा रीड करते हैं, असलम इज़ इन द हाउस, अब इन जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आगे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, अब ये को दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, एट जो है ये यहाँ पर प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमने डियर स्टूडेंट से एक चीज़ देखनी है, अब चूंकि ये लास्ट टॉपिक है तो बस आपने एक मिनट ज़रा गौर करनी है और एक मिनट में हम सारा पिछला हाथा करेंगे इस सेंटेंस को देख के। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें, आई एम वेटिंग फॉर यू, अब आपने फिलहाल प्रेपोजिशन को छोड़ दे, प्रेपोजिशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने पीछे से चलना है, शुरू से लेके जब हमने नाउन से लेके प्रेपोजिशन तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने रूट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अब उन सारे रूट्स को आपने इस फिक्रे के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर रिवाइज़ करना है। कैसे रिवाइज़ करना है, आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है आई, अब जिन स्टूडेंट्स ने गौर से इसको सारे लेक्चर को सुना है, इससे पीछे भी मैंने रिवाइज़ करवाया, फिर रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आई को आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, इसको सब्जेक्ट भी कहेंगे, इसके बाद प्रोनाउन भी कहेंगे और ये फर्स्ट पर्सन भी कहेंगे, ठीक है जी। यानी ये आई जो है, जितना लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ, इस लेक्चर के अंदर जो हमने आई के बारे में जितनी डिटेल पढ़ी है, आई यहाँ पर जिस पोजिशन में ये आई है, इस पोजिशन में आई एज अ सब्जेक्ट भी है, आई फर्स्ट पर्सन भी है और आई यहां पर
प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद आई एम वेटिंग फॉर यू, इसके बाद अगर हम वेटिंग पे जाते हैं तो इसमें वेटिंग क्या है, ठीक है, वेटिंग। अब मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने आपको बताया था कि चार हालतें होती हैं इसकी, तो आप ये अंदाजा लगा के मुझे बताएं कि वेटिंग जो है ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है या चौथी फॉर्म है। हाँ जी, ये चौथी फॉर्म है, क्योंकि वेट पहली फॉर्म है, फिर प्लस यहां पर आई एन जी लगी है तब जाके ये वेटिंग बना। तो अब यहां पर आपको समझ आ गई कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आपको समझ आ गया कि मैंने जितनी रूट, जितनी इसकी बुनियादें पढ़ाई हैं वो सारी इन सेंटेंसेस के अंदर यूज हो रही है और वही हो रही है जो मैंने पढ़ाई है। इसके बाद आगे फॉर, अभी हमारा जो टॉपिक है प्रोपोजिशन का, और यू, यू इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक वक्त में ये सेकंड पर्सन भी है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी है, इसके अलावा ये प्रोनाउन भी है, ठीक है। अब आप किसी को कॉल करके कहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैंने आपको यही पढ़ाया था कि ये जो है ये यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है यहां पर यू, क्योंकि आप उसको बात कर रहे हैं, उसको कॉल करके कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा या आपका इंतजार कर रहा हूं। तो याद रखिएगा कि ये यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है और नाउन भी है, सॉरी प्रोनाउन भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है और ये सेकंड पर्सन भी है। समझ आ गई? हाँ जी। अभी सेंटेंस के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो आपको यहां पर जो अली नजर आ रहा है, अली क्या है यहां पर, अगर आपको याद हो तो अली यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर भी है, अली यहां पर नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसको आप नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। इसके बाद गोज, यानी गो, ये हमने वर्ब पढ़ा हुआ है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद टू, अभी हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, हिज ऑफिस, ठीक है, अली गोज टू हिज ऑफिस, अली अपने दफ्तर जाता है। इट्स मीन के यहां पर जो हिज है ये पोसेसिव केस को जाहिर कर रहा है कि ये जो अली का यहां पर पोसेसिव केस हिज बनेगा, ऑफिस यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, बतौरे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यानी अब इस फिक्रे को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ गई है। इसी तरह नीचे इस फिक्रे को पढ़ें, द बुक इज ऑन द टेबल, अब यहां पर बुक जो है ये बुक क्या है, बुक यहां पर सब्जेक्ट भी है और बुक यहां पर नाउन भी है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर आप गौर करते हैं, इस आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ऑन टेबल, ऑन प्रेपोजिशन आ गई, टेबल इसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। असलम इज, आप देखिए अब गौर करें, असलम इसमें नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, इन इसमें प्रेपोजिशन आ गया, हाउस इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, जितना मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल वही है। अब आखिरी फिक्रे के ऊपर गौर करते हैं, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इसमें कौन, यानी यहां पर ये सब्जेक्ट है, हु इज हेल्पिंग वर्ब, नॉक पहली फॉर्म, यहां पर प्लस आई एन जी, नॉक यहां पर पहली फॉर्म प्लस आई एन जी करके नॉकिंग कर दिया, एट इसमें प्रेपोजिशन आ गया और उसके बाद डोर इसमें क्या आ गया आपके सामने, हैज अ ऑब्जेक्ट। तो मैं डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि जो पहला लेक्चर मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान हो और जिसमें आम से अल्फाज ज़्यादातर उर्दू मैंने इस्तेमाल की है, और जैसा कि मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात की थी, मैंने कहा था कि मेरा मकसद, मैं ये नहीं कहता, मैं ये दावा नहीं करता कि आपको इंग्लिश फर फर आएगी, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, आप अंग्रेज़ बन जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद ये वीडियो बनाना सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स, चूँकि स्टूडेंट्स की ज़रूरत है टेंसेस पढ़ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान ज़बान इस्तेमाल करके आपको टेंसेस समझ में आ जाए, ताकि आप कम अज़ कम अपने तलीमी मामलात को, जिसमें टेंसेस यूज़ होते हैं ख़ास तौर पे इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप इम्प्रूव करें, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आप जो कुछ लिखें उसको समझ के लिखें, जो कुछ पढ़ें उसको आप समझ के पढ़ें, कम अज़ कम आपको सेंटेंस पढ़ते वक्त या लिखते वक्त आपको पता हो कि ये किस टेंस का फिक्रा है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, प्रेपोजिशन कौन सी मैंने लगाई हुई है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये कौन सा ज़माना है,
यानी सिर्फ मेरा मकसद आपको ये चीज़ें समझाना है ताकि आपके मैट्रिक लेवल से लेके तकरीबन आगे जितना भी आपने स्टडी करनी है उसमें आप वो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें समझ आएँ जिसमें आप अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें और अच्छे मार्क्स लेने की पोजिशन में हों। तो पहला लेक्चर आज हमारा ख़त्म हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला बकायदा तौर पे टेंसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो अल्लाह आपका हामी नासर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।